Bus. Busker. अरे वाह, आज हमारे साउंड वाले भाई को याद आ गया कि मैंने म्यूजिक भी प्ले करना था। आदाब, बजा लाता हूँ। सलामकुम। कहते हैं कि मौसीकी रूह की गजा होती है, तो बदरूहे वो नेटफ्लिक्स देखती है कभी कभी। मौसीकी के अंतरे का संतरा साईवाल में पाया जाता है। संतरे से ज्यादा कैसी हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। घर सब खैरियत? फ्रेश फ्रूट खा रही है सुना आजकल आप? मैं जी सीजनल फ्रूट में हमेशा खाती हूं। सीजनल फ्रूट खाती है आप, रौनक उनके चेहरे पे आ रही है। आपने वजन पुट ऑन कर लिया लग रहा है। देखिए अच्छा, बाल खुले हो तो लगता है कि आप आज इसको तो मैंने परेशान कर दिया। आप हजरात बताइए, ये मौसीकी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये तो मूसा से पूछना पड़ेगा। कॉल करें? जी 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 बिल्कुल। आपका तो, आपकी तो बड़ी गहरी नजर है हर मौसीकार पे। जी मैं तबला बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। नहीं, उसके अलावा भी आपको याद है ना, हमारे शो में गेस्ट आए थे, कह रहे थे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाक से भी बजता है। बजता है कोई? कोई एक बजता है। और क्या नाम हो रहा है? हिमेश रेशमिया। वो बजना नहीं, वो बजाता है घाटा वो यार। आप लोगों की इजाजत से, क्योंकि मौसीकी पे इनकी बहुत रिसर्च है, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, PhD हैं, वो चूंकि आज आए नहीं हैं, तो हम अपने अमेजिंग मेहमान को डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को इनवाइट दो। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कसम खा के बताएं, उसके चेहरे पे नूर? किन के चेहरे पे नूर है? नहीं वो मुस्तफा चेहरे पे, तो मुझे मौसीकी नजर आ रही है। मुझे लगता है अभी ये क्वाली शुरू कर देंगे। साहब इनके चेहरे पे नूर है, इनके चेहरे पे नूर हसन है। एक एक नूर हमारा भाई है, बाबा जी उनको कहते हो, वो कॉम्पेयर है, और क्या कमाल का काम करता है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह जब वो बोलते हैं उनके पास अल्फाज की डिलीवरी की रवानी वो है। नूर भाई, नूर भाई जो है हमारे, और एक हमारे सही नूर साहब भी हैं। नूर भाई जो है उनका डबिंग उन्होंने मेरे ड्रामे से किया था, रॉन्ग नंबर्स। रॉन्ग नंबर, लेकिन नूर भाई इज द राइट नंबर। क्या कमाल आदमी, मुझे नहीं पता वो असली वाले बाबा जी ने या नकली वाले बाबा जी ने, लेकिन वो तगड़े वाले बाबा जी नहीं, नहीं है। एक दिन मेरा घर है, पॉजिटिव आदमी है। एक दिन बोली इतने पॉजिटिव है, मेरे एक दिन घर है मोतिया के दरख्त के पास, रात 11 बजे खड़े होके उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी मोतियों से। नहीं वो खुदा जानते कितने हाल। तो मैं पहले तो देखता रहा, पहले मैंने सोचा, फिर मैं परेशान हुआ, फिर 3 मिनट के बाद गुफ्तगू इतनी इंटेंस हो गई कि देन आई रियलाइज समथिंग इज नॉट राइट। तो बाबा जी दस देना, आज तो मेरा चौकीदार वापस नहीं जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये था, नूर भाई बोल रहे थे, प्रॉब्लम ये था वहां से जवाब आ रहा था। मैं वेट कर रहा था। सॉरी नूर भाई, मैंने आज आपका राज अफशा कर दिया। अब पता नहीं अफशा कैसा। आप कह रहे हैं नूर भाई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? डॉक्टर साहब नूर की बातें तो होती रहेंगी, नूर तो नूर है जहां तक जाए। ये मौसीकी का इर्तका जो है, क्या ये सच है कि एक इंसान के पैर पे पत्थर गिर रहा तो की आवाज के साथ मौसीकी का आगाज? नहीं, मौसीकी जो है उसमें एक रिदम चाहिए, उसमें सोच चाहिए, वाह वाह, उसमें जो है ये इस तरह की तकलीफ नहीं चाहिए। आपने ये राग फतेह अली खां की मौसीकी जो है वो सोच से आई है, चांद फतेह अली खां की तकलीफ से आई है। तो आप जिस तरह हम बात कर रहे थे, कायनात का पहला गाना भी एक पाकिस्तानी ने गाया था। कायनात तो आज आप, मैंने हमने तो बोला था उसको भी ले, लेकिन वो ऐसी हमारा प्रोड्यूसर कहता है कायनात? आप किस कायनात के लिए गाया था? वही सर, जब दुनिया शुरू हुई, दुनिया शुरू हो रही थी, तो एक आदमी जमीन पे गा रहा था, हवा हवा ए हवा खुशबू उठा दी। डॉक्टर चले, तो मौसीकी जो है ये एक रिदम का नाम है, वह ना करे आपके हार्मोन का बैलेंस खराब होता है तो ऐसी आवाज निकलती है। ये डॉक्टर साहब ने ये किया ना, ये हमारा अगले एक साल का प्रमोशन। अच्छा वैसे देखे मौसीकी जो है उस पर उलमा ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन हम तो आम आदमी हैं, तो लगता है कि मौसीकी बड़ी एक काबिल एहतराम चीज़ है। एक नबी ऐसे थे कि जो जिनकी आवाज़ ऐसी थी कि उनकी आवाज़ सुनकर परिंदे रुक जाते थे। देखिए जो जो मौसीकी है ना, वो आज़ा की शायरी का नाम नहीं है, वो अल्फाज की शायरी है।
डॉक्टर साहब आज आज क्या है? आज खाका है। खाके में क्या है? खाके में है बाबा रहमता। बाबा रहमता आए बाबा रहमता है। अगर आप नसीबुल्लाल पे खाका लिखते तो आप तो सोच में गुम हो जाते डॉक्टर। शुरू क्यों करा? नहीं नहीं, मतलब हर शख्सियत जो होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। खाका लिखने के लिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी को अगर बहुत ज़्यादा जानता हूँ तो उसकी जो वो चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ उन पे मत लिख। वाह वाह, नहीं लिखता मैं। वाह वाह, मैं सिर्फ वो लिखता हूँ जो इमेज लोगों के सामने है। ठीक है, ताकि अच्छी तरह एक्सपोज करते हैं। हाँ मतलब ये है बाजवे सर बाबा रहमत। चले ठीक है। साकब निसार, शहाबे साकब और साकब निसार में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों थोड़ी देर के लिए बहुत चमकते हैं। साकब निसार उनसे बहुत बड़ा है जो उससे बहुत छोटे। उनको देखकर लगता है वेस्पे पर ट्रक का हॉर्न फिट किया हुआ। उनके नजदीक फूल दो किस्म के होते हैं, डैम फूल और बगैर डैम के फूल। उन्होंने तन तनहा पूरे पाकिस्तान के मसले हल कर दिए। ये अलग बात है उनके रिटायर्ड होते ही वो हल भी रिटायर्ड हो गए। डैम भरने के लिए घर से कई बाल्टियां पानी डोनेट किया। उन्होंने दुनिया से डैम फंड के लिए 40 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। उनको इकट्ठा करने में सिर्फ 63 मिलियन डॉलर खर्च किए। हमेशा से दूसरों के काम करके खुश होते हैं। जब चीफ जस्टिस थे तो इंतजामिया एग्जेक्टिव वजीरों मशीरों के काम करके खुश होते। स्टूडेंट लाइफ में भी उनमें ये जज्बा था। वहाँ पे स्टूडेंट्स के खत ये पहुँचाया करते, हालांकि ये डाकिये का काम। सन 2000 में मुशर्रफ ने जजेस से कहा, या अपने असूलों पर इस्तीफा दे दो या मेरी नौकरी का हलफ ले लो। साकिब निसार ने कहा, मैं अपने असूलों पर डटा रहूँगा, और नौकरी का हलफ ले लिया। वो जब चीफ जस्टिस बने तो हर बंदा खुश था कि अगर ये बन सकता है तो फिर मैं भी बन सकता। ऐसे चीफ जस्टिस बने कि सबको ठीक करके रख दिया। इंसान क्या, जिन मुर्गियों के अंडों से उनका आमलेट बनता था वो टाइम पर अंडे देने लगी कि कहीं अंडे लेट दिए तो सो मोटा एक्शन ना ले लें। ऐसी याददाश्त कि एक नज़र स्क्रिप्ट पर डालें तो एंड तक नहीं भूलते। बाबा रहमता पर एक वक्त ऐसा आया जब वो पाकिस्तान घूमना चाहते तो एक जगह खड़े होकर पाकिस्तान को कहते, मेरे गिर्द घूमो। उन्होंने अपने दौर में यस और नो का फर्क वाजे कर दिया। वो फर्क ये था कि यस वो नो होता है जिसे वो यस कहें, और नो वो यस होता है जिसे वो यस कहें। एक जगह तीन जजेस बैठे थे, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, उसने कहा, आइन को जैसे मैंने पढ़ा मैं उसे वैसे ही इंटरप्रेट करता हूँ। हाई कोर्ट के जज ने कहा, जैसे आइन लिखा है मैं उसे वैसे ही इंटरप्रेट करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोला, मैं जो इंटरप्रेट करता हूँ वही आइन है। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है मैं इंटरप्रेट कर लेता हूँ। वैसे सवाल है कि इतने बार इंतजार होस्ट होएगा प्रोड्यूसर लगेगा कि मैं नहीं हूँगा। चीफ जस्टिस बने तो अस्पतालों में बहुत छापे मारते। एक अस्पताल में मायने के लिए गए, वहाँ एक डॉक्टर काफ़ी देर उनको देखता रहा, फिर बोला, सर आपको मायना करना नहीं चाहिए, करवाना चाहिए। हमारे यहाँ बंदा एक बार बड़े होते पर चला जाए तो फिर उसे रिटायरमेंट के बाद ही बंदा बनने का मौका मिलता है। इससे सबको फायदा उठाना चाहिए। बहसीयत चीफ जस्टिस उनके इस कौम पर बड़े एहसान हैं, जिनमें सबसे बड़ा एहसान यह है कि अब वो चीफ जस्टिस नहीं है। वाह वाह वाह, आज तो आपने सर निसार कर दिया बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डॉक्टर की नाराज से होस्ट का कोई मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। डॉक्टर साहब आप इस शो में सिर्फ जज होने की एक्टिंग करते हैं, आप जज हैं नहीं। इतने रिस्क क्यों ले रहे हैं?
तो आज नाश्ते ही खा के आए हो। दरअसल ये है कि पिछली दफा भी ये खाका था तो मैंने जो है वो असफर से कहा यार इस दफा कुछ मजा नहीं आ रहा, अगली दफा पढ़ूंगा। देखो तो अभी मैं मेरा सवाल ऐसी होने बाद मैं मेहमान का तारुफ करा दो। मेहमान एक आज एक हमारा मेहमान एक लेजेंड है माशाल्लाह। इनके बारे में एक बात जो दुनिया जानती है कि इनको एशिया का माइकल जैक्सन कहते हैं। नहीं आप गलत कह गए, बच्चों को बाहर भेजो। क्या हुआ? बच्चों को बाहर भेजो माइकल का माइकल जैक्सन, इसमें गलत क्या है? नहीं मैं तो इसलिए कि मैं गलत इसलिए है कि माइकल जैक्सन को नॉर्थ अमेरिका का हसन जहांगीर कहने इसमें ये गलत था। कैसे है भाई यार माशाल्लाह ये और अस्सलाम वालेकुम कैसे डॉक्टर? एक तरह से इन्होंने आबे हयात का पानी पिया हुआ है। वाह डॉक्टर साहब आपको इन्होंने बता दिया, हमें नहीं पता। नहीं हम इससे इनसे राज लेंगे कि ये उस वक्त भी इतने खूबसूरत थे आज भी इतने खूबसूरत हैं, क्या वजह है? ये पहले जवाब दें सर आप। अच्छा बात आपने अच्छी बात की लेकिन मैं सबको एक ऐसी जवाब दे देता हूँ कि ये अपने अपने अमाल का नतीजा है। मैं इसको कहता हूँ कि 25 साल तक जो होती है जो वो शक्ल होती है जो अल्लाह ने आपकी बनाई होती है, उसके बाद की जो शक्ल होती है ना वो आप अपने अमाल से खुद बनाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे बहुत सारे एक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स का भी कुछ कमाल है। अच्छा आसिम भाई ये हमारे हमारा पैनल है, ये दो खवातीन आज आपसे आपकी जिंदगी के बारे में वो तमाम सवाल पूछेंगी जो हर दुनिया की खातून पूछना चाहती है। क्या बात है क्या? तो मैं उसकी तरफ से पहला सवाल कर देता हूँ फिर आगे वो खुद करेगी। दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट है? ये इनका आसमान है। यार आगे की बात करो तुम, बहुत पीछे हो। शादी तो करती चले जाए जितना कर सकते हैं। वाह यार हर एल्बम के साथ ये जो दूसरी की बेबी बात करता है ना ये अपने लिए मैं तो आई एम द ब्लेस्ड वन एंड द ऑनर्ड वन। मैंने वो शो होस्ट भी किए हैं, जासन भाई ने परफॉर्म किया है, मेरे बहुत सारे शोज में गेस्ट भी हैं, लेकिन आज मुझे एक राज की बात पता चली है। बोलिए। आपने एक बार रेडियो तोड़ा अंदर से, आपने कहा छोटे छोटे लोग निकालूंगा। मैं अभी अपने आप पे खुद ही हंसता हूँ। मैं वो क्या था वो बताए ना सर आप हमारे। वो ये था कि मुझे शुरू से दो शौक है मेरा, एक पेंटिंग का, मुझे दीवारें बहुत खराब की मैंने पेंट में बहुत मोहम्मद अली के मेरे आइडियल थे, मैंने उनके वो बनाया स्केच और इस तरह के मैं इतना। आज भी आपके कमरे में भुट्टो साहब का और उनका स्केच? जी हाँ बिल्कुल, ये मेरा पैशन था ये। उसी दौरान जब आप पेंटिंग करते तो आपके अंदर से आवाज़ भी निकलती है और गाना वाना, तो जब गाने लगते तो फिर रेडियो की आवाज़ सुनते, छोटा था बहुत मैं, तो मैं कहता यार कितने छोटे लोग होंगे इतने खूबसूरत उसके अंदर से आवाज़ इतनी अच्छी आती है, तो मैं रोज़ सुनकर मैं कहता आज इसको चेक करूंगा कि ये जब गाने आएंगे मैं तोड़ कर देखूंगा कि अंदर से कितने अंदर गा कौन रहा है। तो मैंने रेडियो तोड़ा तो जाहिर उसमें मशीनरी ये चीजें, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ चाइल्ड। बिल्कुल ऐसे पिटाई भी हुई उसकी वजह से। इसमें VHS कैसे तोड़ दी थी? नहीं माइक्रोस्कोप आप लाते तो अंदर साकिब निसार बैठा हुआ था। बस मुझे तो अंदाजा नहीं था, अगर इतना सेंस होता तो मैं तोड़ता ही क्यों। Welcome back after the break. Welcome to Bhaskar. और अच्छा आप जब स्केच करते हैं तो आपको you always sang with it. जी आप इमेजिन करें कि आप इसका एक स्केच बना रहे हैं तो कौन सा गाना है जो सब स्पॉन्टेनियसली आए? इनकी तो ना देखें मैं शहजाद की बात नहीं, ये हमारी पेंटिंग ही है। ये तो पेंटिंग है, कभी कभी बोलती है। अच्छा लेकिन रू आ जाते हैं कभी को। मोना लिसा कहते हैं हम इसको। अच्छा ये सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं ये मेरी पेंटिंग बना देंगे, इनकी मैं बनाने लग गया था। तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ लेकिन डायरेक्टर शेर सुना के चला गया, आराम है जो उसके बाद फिर गोली हो आज तक। हम हर गेस्ट को चैलेंज करते हैं इससे कुछ बुलवा के दिखा दे आप यार। नहीं सब बोलते हैं यार, जब बोलना शुरू कर दे तो ब्रेक नहीं लगता फिर। अच्छा भाई ये बताएं बहुत मैं आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था मौसीकी की आगाज़ ओरिजिनेशन कहाँ से है, इसका कुछ हमें लाइटन करें।
मुझे तो म्यूजिक का अंदर से एक ये था कि मैं जब भी सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था, वो आवाज़ें बहुत कानों को अच्छी लगती थी, तो मैं सोचता था कि जब ये गा सकते हैं तो फिर मैंने देखा कि मैं भी गुनगुनाने लग गया थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब मैं गाने लगा तो पेंटिंग से ज़्यादा पजीराई मुझे म्यूज़िक में मिलने लगी। माशाल्लाह। जब म्यूज़िक में मिलने लगी तो मुझे इत्तेफाक से मैं लोगों से पूछता रहता था, जैसे उस ज़माने में तो ये चीज़ें थी नहीं, तो मैं कहता यार कहीं कोई म्यूज़िक सिखाने वाला मिल जाए, कहीं कोई बताता ही नहीं था। तो मैं बड़ी मुश्किल से एक साहब को, उनको फील हुआ कि यार इसको बताना चाहिए, को रोज़ पूछता रहता है। अख्तर भाई हारमोनियम जी। हाँ, तो उन्होंने कहा तो अब मैं जब गया तो वाज़ तो कोई लिफ्ट ही ना दे। अब हम हाथ बांध करके, हाथ में किताबें भी स्कूल से, रात भर पेंटिंग करता था दिन में, और रात को जाकर मैं म्यूज़िक की क्लासेस के लिए जाता था, तो हाथ में बुक्स भी होते थे ज़ाहिर है। तो मैं खड़ा रहता तो किसी ने कहा चाय ला दो, और यार सिगरेट मिला देना ये। तो अब मैं उनकी खिदमत भी करता था, मैंने कहा शायद कुछ गाने को मिल जाए, तो खड़ा रहता था देखता रहता था, बड़े बड़े लोग अपना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप भी पक्के लोगों के पास गए थे? हाँ, मतलब वो सब दारे उस ज़माने में तो ड्रम व्रम नहीं था। बिल्कुल ठीक है। वो कॉन्गो बोंगो और कॉन्गो ये चीज़ों पर फंक्शन वो थे, तो वो वहाँ पर जो आर्टिस्ट आते वाले थे इत्तेफाक से वो नहीं आए, और बारिश हो रही थी तो उनका कोई शो वो होगा फैमिली का छोटा, तो उसमें एक आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि यार वो ऐसा है कि शो में जाना है, और तो मैंने कहा भाई मैं तो इस वक्त ऐसी हालत में हूँ, मैं कुछ शो में तो जाना ना मुझे नहीं, और मैं तो स्कूल से ज़ाहिर सुबह मुझे स्कूल भी जाना होता है। कहने नहीं फनकार मेरे कपड़े थोड़ी देखे जाते, फनकार का तो फन देखा जाता है। तो मैंने कहा मैं कौन सा बड़ा फनकार हूँ जो मेरे फन देखेंगे लोग। कहने नहीं, उन्होंने बहरहाल मुझे कन्वेंस कर लिया कि उनको भी हेल्पर चाहिए था एक उनको पोर्टर एक चाहिए था जो सामान उठाए लगाए, सारे खास साहब है बड़े बजाने वाले उनको तो एक चाहिए। तो वो यंग लड़का था बड़ा अच्छा बजाता था, तो उसको मैंने कहा उससे एक फ्रेंडली एक एटमोसफेयर बन गया, तो मैंने कहा चले जाते हैं। अब जब मैं गए तो घर में फैमिली एक मेहंदी का फंक्शन था, वो गा रहे थे लोग, उतने में सब लोगों ने जब गा लिया तो किसी को तरस आया, उसने कहा यार इसको भी एक गाना गवा दो। अच्छा रात के को 2:30 बज चुके थे। बिल्कुल, मतलब ख़त्म हो रहा है वो लोग खा पी के, लोग ऐसे ही मतलब फन हो रहा है, वो आपस में घुल मिल नहीं जाते आर्टिस्ट और फैमिली के लोग, तो तफरी हो रही। तो उतने में मैंने कहा यार मैं तो जो अच्छा जो मुझसे पूछता था कि आप कौन सा गाना गाएंगे, तो उस ज़माने में गाना बड़ा मशहूर था किशोर साहब का, ऐसे न बुझे, ये थोड़ा सा लाउड था ऐसे थोड़ी मजा आएगा, ऐसे न बुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अब ये गाना, हाँ ये लेकिन आप ये पहले बताएं ऐनक लगा के आप किसको देख के गा रहे थे इन दोनों में से? मैं तो उस वक्त सिर्फ सेट आपके इतना हसीन है और हवा इतनी अच्छी आ रही है, तो मैंने कहा भाई सबको ही देखता रहो और एटमॉस्फेयर पे एंजॉय करो। हां अब्दुल भाई ने सेट ही है, आप यकीन करें ये दो बीच वाले सब सेट है, वो सेट है तो सारे ही सेट है इसमें अच्छा फिर क्या हुआ? तो जब मैंने ये ऐसे, तो जिसने होस्ट करनी थी ना वो जाके ये गाना गा दे। जब कौन सा आप आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं ज़ाहिर वो गाने मेरे अंदर आते थे जो मशहूर हैं, अच्छे हैं, लोगों को पसंद आएंगे, तो उसके जहन में नहीं आता था, ज़ाहिर वो एज बड़े एज के लोग थे, तो वो उन्होंने वो गा दिया। अब मैंने कहा फिर उससे पूछा आप कौन सा गाएंगे, मैंने कहा मेरा गाना तो सब लोग गा रहे हैं। आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा भाई आपके सामने एक हमारे आर्टिस्ट है ये वो बुला लिया उन्होंने। अब मैं गया तो मैं शलवार कमीज, किसी ने मुझसे घड़ी मांग ली, तो उस चप्पल जूते अच्छे तो उसने शूज पहन लिया। आप बिल्कुल समझ लें भाई यार वो मददगार, मतलब आप समझ लें पीरियड से भी नीचे के आप क्या खड़े हो गए आके। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मेरे अंदर एक चीज़ थी, मुझे उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ कि मैं जब भी गाता हूँ तो बॉडी मूवमेंट मेरी अंदर से नेचुरल, हाँ नेचुरल ही है। तो फिर एक गाना बड़ा मशहूर गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वो वहाँ पे गाना, मेरी भीगे भीगे सी तरार, मेरी भीगे भीगे सी पल पोप रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर गए, जलेवन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तो भीतर से, मेरी भीगे भीगे सी। अब यो मैंने जो गाया वो एकदम से लोग चाय वाय लेके आके ऐसे बैठना शुरू हो गए और लोगों ने फूलों के हार पहनाने शुरू कर दिए और एक एटमॉस्फेयर बदलता चला गया। हाउ ओल्ड वर यू? अब मैं उस वक्त मुश्किल से 18 19 18 17 साल का। फिर
वो जब ये हुआ तो मेरे तो हौसले बुलंद हुए, मैंने कहा भाई अपना काम मतलब लोग पसंद करे। फिर एकदम से मैंने देखा अब सब गाने तो गाज, फिर मैंने कहा चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल को तराने लिए, वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी भैया छुड़ानेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी मेरी बाहों में, आ चल जाएगी सच्चे झूठे फसाने लिए, चला जाता ऑल बन गया। तो जब मैंने ये गाया वो ये एटमॉस्फेयर ही चेंज हो, लोग पैसे लुटा रहे हैं और ये और अब आम स्वेयर पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, अब हर आदमी एक दूसरे को देख रहा है, वो लग रहा है शो अब स्टार्ट हुआ है। बैंड वाले ने हारमोनियम वाले ने कूटा उसके ब्रॉड माहौल बन चुका है। मेरे ख्याल से तीसरे गाने के बाद दुल्हन भूलेगी इसी से। तो आई स्वेयर वो मेरी जिंदगी का वो पल आज तक लाइफ चेंजर, उस घर को नहीं भूल रहा, ढूंढता रहता हूँ वो घर कहाँ है। और क्योंकि मेरी करियर का वो पहला ब्रेक थ्रू है सरप्राइज। ये बच्ची उसी घर से आई है, आप भी मुझे ढूंढ रही होंगी। ढूंढते मैं यहाँ पर आ रही हूँ, हम दोनों मिले। वाह 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 वाह। तो ये इसके बाद गेम चेंज हो गई सर, दुनिया बदलती चली गई और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज आपके सामने मैं हमारा ऑनर है ये आपका इसमें। अच्छा अब अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि अब आपने समा बांध दिया हुआ है सर, डॉक्टर साहब कह रहे थे मैंने वो हजार वाले नोट खुले करा। अच्छा मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ ना, वो जो सारे साथ गाने वाले आए थे ना वो नोट यही हुआ है। Welcome back after the break. Welcome to Busker. हमारे साथ हसन जागीर साहब और हसन भाई, डॉक्टर साहब इनका एक क्वेश्चन है रैपिड फायर टाइप, जो आपसे सवाल करते जाएंगे हम सारे, आपसे उस सवाल पे सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब। इसमें जी ये छोटे छोटे सवाल हैं। नेपोलियन ने कहा था इम्पॉसिबल का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं, बड़े लोगों की डिक्शनरी में कई लफ्ज़ नहीं होते, आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज़ नहीं है? मेरी डिक्शनरी में कामयाबी जो है वो आपके मुकद्दर चूमती, अगर आपके अंदर जोश जज्बा हो ना नहीं है, मतलब कोई काम पॉसिबल नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल हर काम पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। वाह वाह वाह। आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज़ नहीं है? भारोय। आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज़ नहीं है? जो डिक्शनरी में नहीं है वो नहीं है, बाकी सारे। कोई उम्र पूछे तो गानों की तादाद बताकर बातों में लगा लेते हैं, उम्र बता देते हैं। ये अच्छी बात आपने की, मुझे एक बांग्लादेश के सुपरस्टार है, उनका नाम है आलमगीर, वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार लाइक अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने मुझे कहा था हसन आप कोई बात बताओ, मैंने कहा क्या, चलिए आर्टिस्ट सारी जिंदगी 28 साल का ही रहे। मेरे ख्याल आप कितने मिलते जुलते हैं। अच्छा एक मिनट, आपने बांग्लादेश का जिक्र हुआ, आपने देखा ना वो नेशनल ज्योग्राफिक पे मछलियाँ उड़ रही होती हैं, बांग्लादेश से मछलियाँ उड़ उड़ के आती हैं इनके नाम खाने वालों की बात कर रहा हूँ, आपने जो ऊँट किया वो खतरनाक वजन में है। कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है, हड्डियाँ तोड़ो क्योंकि ये 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियाँ ज्यादा? मैं तो तोड़ना ही नहीं चाहता था किसी कोई भी चीज सर, साबित होनी चाहिए, टूट गया तोड़ने वाले लोग। हाँ बिल्कुल। आप अचानक सुबह उठते हैं और आप लड़की बन चुके हैं। हाय हाय, इसकी ख्वाहिश ही नहीं, मैं लड़का ही रहना चाहता हूँ सर। ये मेरा, अगर हर शहर में आपकी एक एक मेल और एक एक फीमेल कॉपी हो तो म्यूजिक का मुस्तकबिल बहुत बेहतर नहीं हो जाएगा? मैं सबको बोलूंगा अपने अपने प्लेटफॉर्म पे रहकर एक एक आदमी एक प्लान कर ले, जैसे वो एक करके मैनर्स इंडिकेट्स रिस्पेक्ट, अच्छे काम, ये काम वो काम, एक एक अच्छाई लेकर सब अगर निकलेंगे तो बहुत सारी मुजस्माएँ अच्छाई जमा जब हो जाएंगी तो बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुजस्मा अच्छाई से याद है, जब खातून देखते हैं तो पहली चीज़ क्या नोट करते हैं सर? उनकी मैनर्स एडिकेट्स डिसिप्लिन ब्यूटी सारी चीज़ें एक साथ देखता हूँ। ये तो अंग्रेजी में होगी ना, वैसे क्या देखते हैं?
नजर आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अनेक लगाइए ना फायदा। सुपरमैन वो होता है जो अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनते हैं। सुपरमैन बनना पड़े तो सुपरमैन में क्या तब्दीली लाएंगे? सर ये मैं कर सकता हूँ, अंडरवेयर सुपरमैन के ऊपर पहन के मैं एक बनियान भी ऊपर पहनाता। 1982 में हमारे लेजेंड सुपरस्टार क्रिकेटर को जो 92 में वर्ल्ड कप लेकर उन पर गाना डाल दिया सुपरमैन। हाँ बिल्कुल, इज अ सुपरमैन। बिल्कुल, आपने पेशन गोई की थी या आपको पता था कि ये होगा इंशाल्लाह? पता नहीं सर, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं आप हमेशा अच्छी बात बोला करें। हम जाते हुए आपसे डॉक्टर साहब के सर पे हाथ। हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं। आपके पीछे आप तो जितने कामयाब हैं आपके पीछे तो बहुत होंगी। औरतों की प्यार से तो यहाँ तक आया हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह, इतना अच्छा जवाब जो है कि घर वाले भी खुश और बाहर वाले भी खुश। अच्छा मैंने आपका वो पूरा गाना नहीं सुना, काश मैं पूरा सुन लेता। मैं तो दो लाइनें पकड़ के मैंने डिसाइड। अरे तो आप बच जाते बहुत। मैं तो तभी तो कह रहा हूँ बच गया, मैंने पूरा गाना नहीं सुना आपका वरना। इसी तरह दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो। इसमें मैनर्स बच्चों को मैंने बताया कि बच्चों को मैनर्स एडिकेट्स एजुकेशन कितनी। अरे ये थोड़ा सा गुनगुना, दिल जो तोड़े ये जरा एक हो जाए ना। हाँ ये मेरा डाई हार्ट सॉन्ग है, बहुत पसंद है ये गाना और मैंने बहुत ही बॉटम ऑफ हार्ट से इसको लिखा था। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसे बातें कभी ना कहो, हटो बचो सीनी मिनी मिनी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सीनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सीनी जिस लागो, आराम से इत्मीनान से इजी हो के काम से, परफ्यूम लगा कर हिट शिट करके थोड़ा पहने शाम से, सब दोस्तों में और खूब मजे उड़ाइए, रूठे ना कोई आपसे सबका दिल बहलाइए आराम से। ये अपने वक्त से आगे का काम था और ये पाकिस्तान से भी बाहर का काम था। यू नो एनीबॉडी हु कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विल रिलेट टू इट, और जिसको म्यूजिक समझ आता है वो बाय ऑटो रिलेट कर रहा है, और जिनको जबान नहीं समझ आती वो भी कह रहे हो कि मैजिक है। आपकी कौन सी चीज ऐसी है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? सर हाँ बहुत सारी। आपने क्या अच्छी बात की सर, ये आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ। वाह, जितने मेरे गाने हैं आप यकीन करें वो आज तक डेट टाइम टेबल और मैं क्या फील कर रहा था क्या सोच रहा था वो लिखा हुआ उस बुक में, कॉपियां अभी तक मैंने संभाल के रखी है कि यार। और उसको जब मैं रिकॉर्ड करने वोकल करने जा रहा हूँ तो मैं उसमें लिखा है कि मैंने फला फला अपने दोस्त को याद किया था और इस मूड में था और इस तरह से मैंने गाया। फिर इस गाने के लिए मैंने सुबह बातें होती ना आवाज में टोन, तो मैंने एक सिगरेट पी और उसके बाद फिर ये गाना गाया। वाह वाह, तो ये सारा मैंने पूरा जो जो गाने ताकि जब बाद में वो गाने हिट होते हैं तो मैं उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकूं कि इसको किस फीलिंग से गाया था, इसमें क्या फील किया था, तो वो मेरे पास आज तक। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? सच बोल। मर्द को दर्द नहीं होता, ये सच? मर्द को दर्द सबसे ज्यादा होता है सर। सर आज ये किससे पूछ रहे हो? भाई हमें क्या रखना जो है हमारे यहाँ कहते हैं कि अताउल्लाह ईसा खिलवी है ना, उनके पास सारा दर्द का जो होल स्टॉक है ना उनके पास है, किस्तों से ले सकते हैं वैसे अगर वो बाम लेके निकले हुए। आपका आपका पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर कौन? सारे हैं सर, जो हिट हुआ है। हाँ? आज जो हिट हुआ ऐसा हिट हो ही नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई बात है। हाँ माशाल्लाह, वाह वाह। अच्छा और उस बात से कहीं ज्यादा ऊपर वाले ऐसे ही देखिए, उनके बगैर तो दुनिया में कुछ। हाँ ये तो तस्वुर में पहले रखे हैं, वो तो उधर से तो सोच रही अलग, वो तो एक अलग दुनिया। हाँ। उनके नवाजने के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सबको एक बात कहता हूँ कि जिनके लोग कहते हैं ना मेरे पीछे पड़ा हुआ मेरे बुराई करता है मेरे, मैंने कहा कि किसी को वो ना चाहे
तो मैं अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा दूं ना वो हिट नहीं हो सकता। नहीं, वाह वाह, बिल्कुल वो ना चाहे। और किसी को जब ऊपर वो शोहरत दे दे उसको मैं जमीन में गाड़ने की कोशिश करूँ तब भी नहीं कुछ जब तक वो ना चाहे। बिल्कुल, तो ये आपकी क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल, जिसको इज्जत अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल, बेशक शाहिन कदीर। ये मुस्तफा का सवाल था, हवा हवा का फिनोमेना कैसे बना, कैसे उल्का, कैसे आपने, कैसे जहन में आया, कैसे स्टार्ट किया? कोई साइक्लोन आ रहा था उस टाइम भी कराची में। हवा हवा का बेसिकली चक्कर ये था कि मैंने सोचा कि यार रोज दूसरे टाइप के गाने बनते हैं, फूल कली गुलाब, और इस पे मैं जो भी गाने सोचता हूँ या फील करता हूँ तो मैं उसको ये सोचता हूँ कि नया कॉन्सेप्ट लाऊं। क्योंकि मिसाल के तौर पर मेरा दिल, अब मेरा दिल तो लोग 200 गाने बन गए, तो प्यार प्यार में भी बन चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा वर्ड मैं लाऊं जिस पर कम से कम गाने बने हों, ताकि फिर मैं जब बनाऊं तो वो कॉन्टेंट में तो कम से कम आए। अब मैं सबने एक गाने बना दिए फूल पे, तो फूल पे तो 2 लाख गाने बने में, तो मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, वो फूल में खो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो नई बात करूँ, मैं कांटे पे बनाऊँ तो राजीव भाई कांटे से क्या लाएगा, तो कांटे में भी दर्द होती है, जो चुभता है तो आदमी को लगता है, तो मैं नई बात उसमें करूँ, तो वो इस तरह का मेरी सोच है। तो मैं अपने तौर पर सोचता हूँ कि नई बात करूँ, तो इसलिए हवा जो आ जाओ मेहंदी लगाओ, ये फैशन के नए रंग हैं, आया है मौसम। हाँ, ये फैशन के नए रंग सुने हैं ना, एक लाइन से। हाँ, ये गाना का इसने मेरे को कि हमारी जनरेशन जब हम बड़े हो रहे थे ना, एक अली हैदर की जीन्स ये फैशन के नए रंग, उससे पहले एक एंडोर्समेंट था सर, हो जाए जरा। वो ये था सर, मैंने सोचा कि यार अब गाना जैसे अभी बताया मैंने, को मेरी फीलिंग थी कि नई बात करूँ, तो जब मैं ये गाना बना कर रिकॉर्डिंग के लिए गया तो मेरे जो म्यूजिशियंस थे ना, जो म्यूजिक जो अरेंजर थे, वो सब भाग गए। उन्होंने कहा पागल हो गया, कौन से गाने लाया, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अब यकीन कीजिए स्टूडियो में मैं और रिकॉर्डिस्ट, और मैंने कहा ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये जमाना। लड़की कहती लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना, वाह वाह, मैं भी फैशन करूंगा। अब देखिए मिराज पे माइकल जैक्सन साहब कितने मशहूर हुए थे, वाह वाह, शोहरत के आसमान पे हुए। मैं भी फैशन करूंगा, माइकल जैक्सन बनूंगा, ये मैंने कहा। वाह, तो फिर वो लड़की को मैं वो कहती है, लड़की जवाब देती है, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, वृक्ष बनकर आऊंगी, वृक्ष भी मॉडल सुपरस्टार। तो ये मेरे गाने में एक ऐसी बात, तब से लोगों ने गले महल्ले रोड, ये रोड फला ये मॉडल फला सिंगर फला आर्टिस्ट पे गाने बनने का ट्रेंड बन गया। वाह वाह, तो लोग अब बनाने लगे। वाह वाह वाह, ब्रेक लेते, छोटी सी गेम है, राइट बैक। असर मेरे को पानी दिया जाए फौरन ये विदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। और हमारे सेगमेंट मोबाइल कोर्ट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन जहांगीर साहब। हसन साहब, आप पूछ लीजिए कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा हाथ ऊपर रखें नहीं, ऊपर उस पर रखें, स्टाइल यहाँ रख दूं, हमारे बिल्कुल पे हाथ फेर लें थोड़ा जी, ठीक हो गया। ये आपके वजीफे की सफाई है, ये हाथ ऐसे ना रखें कि उसके अंदर भी म्यूजिक आ जाए। हाँ, करंट ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। अभी पता लगे कि ये जो वकील सफाई है ये म्यूजिकल अंदाज में अपने दलाइल दे रहे। देंगे, फिक्र ना करें, ठुमका मार के देंगे। आपके वकील हैं, ये हमारे साथ के निसार हैं, और मैं आपका जान निसार। आपके निसार मुझे कोई बेहतर कर ले। हसन जहांगीर साहब, आप पर इल्जाम है कि वन एंड ओनली वाले सिंगर तो बहुत हैं, आप वन एंड ओनली सॉन्ग वाले सिंगर हैं। ये हर हिट के बाद यही लिखा जाता है मेरे लिए। हाँ, बस वेल आ जाओ। आप इल्जाम है शादी ना करना यारो गाकर आपने जो वार्निंग जारी की, आप खुद उस पर अमल ना कर सके, एक नहीं दो करनी। हाँ नहीं, मैंने उस पर ये कहा था अब शादी कर लो यारो, खुश रहोगे सारी लाइफ। आपने सुना नहीं इसको, वो वाला मिस कर गए, वो आपने मिस किया, इसलिए मैंने कहा कि आप भी 3-4-5 कर सकते हैं, कर सकते। आपको इजाजत है, माली हालात आपके अच्छे हैं तो आप कर लीजिए। अभी एक और कर रहे हैं इन्होंने मुझे हफ्ते को, सर हफ्ते को आप लोग आए के बाद अदालत ने सजा देनी है, जो नहीं देनी भाभी ने देनी है इनको। हाँ हटो बच्चों, गाने का आइडिया आपको अपने बहन भाइयों को देख कर याद आया। ये सवाल का जवाब जो है मेरे जो लॉयर है, ये इनका अंदाज़े बयां आप देखिएगा कि कैसे जवाब आपको देते हैं। आपने जैसे सवाल किया आपको लहरा देंगे और आप हटे बचेंगे। बता दीजिए सर आप। हटो बच्चों, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वजह यह है कि हसन भाई जो है वो एशियन माइकल जैक्सन। ठीक, जवाब मिल गया। हटो बच्चों, आपने बिटवीन लाइन जो जवाब दे दिया हम समझ गए। हटो बच्चों,
आपका 1986 में गाया हुआ गाना 1987 में रिलीज हुआ, इसकी इतनी कॉपियां बनी, एक कॉपी तो फारसी सिंगर कुरुश ने 1917 में बना ली। कितना तेज था वो? वो तेज नहीं था, वो पहले से जाके पहाड़ पे बैठा हुआ था कि कब ये आएंगे ताकि मैं इनको धक्का दूं, लेकिन पहले झंडा पाकिस्तान का लहर गया। आपके गाने हवा हवा से टी सीरीज वालों ने स्टूडियो बना लिया, आप सिर्फ कपड़े बनाने में लगे रहे। हाँ, ये मैं गुलशन कुमार जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ले जाके उस स्टूडियो की ओपनिंग मुझसे कराकर उद्घाटन करा के कहा कि ये जो मैं आपका गाना भेजा है ना, उससे ये बनाया मैंने। वाह 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 वाह। आपने माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर किया, आपको एशिया का माइकल जैक्सन कहते हैं, आप पर इल्जाम है आपने उसके बाद हसन जहांगीर बनने की बजाय सारा जोर माइकल जैक्सन बनने पर लगा दिया। नहीं, मैं हमेशा से हसन जहांगीर ही रहूंगा, माइकल जैक्सन मुझसे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो बहुत बड़े ना। एक मुलाकात हुई उसके बाद वो नहीं मिल सके क्योंकि जैनेट जैक्सन भी ट्राई मारी है भाई ने। ये बात आपने मेरी राज की बात आपने वहां बता के अच्छा नहीं कि मुझे नहीं लग रहा आप मेरे वकील हैं, उनके ही मिले हुए लग रहे मुझे, उनसे रास्ते में हैं। असल में लोगों की फैंस उनको परफ्यूम भेजती हैं, आपकी फैंस बांग्लादेश से आपको बाहर मछलियां भेजती हैं, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? नहीं, सही है ये बात, मोहब्बत में सारी चीजें भेजी जाती हैं, तो वो खुलूस का इजहार कर रही है। आप फिर इल्जाम में सुबह उठकर सिरहाने तले हाथ मारते हैं, जो मिले उसे लगा लेते हैं। हाँ, मोबाइल ही लग रहा है आजकल हाथ में सिर्फ। आप हेलीकॉप्टर से कूद कर गानों की एंट्री देते थे, आजकल क्या बजट कम है, क्या छत से कूद कर एंट्री देते हैं? नहीं, आजकल तो आसान नहीं बन गई ना, पैराशूट मिल गया है, तो कहीं से भी आप F-16 पे भी बैठ के छलांग मार दूंगा मैं। वाह वाह। एक दफा इन्होंने कोशिश की और बाल बाल बचेंगे, इन्होंने यूं जंप मार ली थी, पंखा यहाँ तक आया लेकर, लेकिन मैं बाल बाल बचा था, इनके बाल में फंस गया। योर ऑनर, दैट इज ऑल, क्योंकि उसके बाद जो सवाल है वो मुझे यकीन है टीवी पे नहीं चल, टीवी पे नहीं चल सकता। हसन जहांगीर साहब हमारे सुर के मंगला डैम है। वाह 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 वाह। और इनकी सजा ये है कि ये अभी 3 बेसुरों पर लाहौल भेजे। क्या करना? 3 बेसुरों पर लाहौल भेजे। अरे सर, ये ना कराएं सर, वो चले। फिर और ऑप्शन है कि आपने हर जगह पे गाया लेकिन आज तक अदालत में नहीं गाया, तो आज हवा हवा यहाँ गा के। हाय हाय हाय। ये मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, जैसा आप कहेंगे तो मैं ज़रूर गाना सुनाऊंगा, क्योंकि आपके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास सब गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे। हाय हाय हाय। बरखास्त।